हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे आपको डिफेंसिव प्रेशर ट्रांसमीटर का कंप्लीट डिसमेंटलिंग और इसमें जो भी हमारा सेंसर्स लगे हुए पीछे इलेक्ट्रिक सेंसर्स, उसमें जो डायफ्राम पार्ट है उसको हम ग्राइंडर से कट करेंगे और इसके अंदर का जो जेल है हमारा उसको आपको दिखाएंगे दोस्तों किस तरह से हमारा जेल रहता है। और जो हमारा प्रोसेस लाइन में जब हमारा डिफरेंशियल प्रेशर को जो मेजर करता है तो उस जेल के मदद से ही हमारा जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है उस डायफ्राम में वो प्रॉपरली हो पाता है। तो चलिए हम एक एक करके इसको डिसमेंटल करते हैं, फिर आपको ग्राइंडर से कट करके दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर डिसमेंटल हो गया हमारा। अब दोस्तों क्या है कि ये जो हमारा डायफ्राम पार्ट है, ये हमारा पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर पार्ट है, जो हमारा जो भी प्रोसेस लाइन का जो प्रेशर होगा उसको डिफरेंस जो भी होगा उसको मेजर करेगा और इसके वोल्टेज के फॉर्म में हमारा इसके जो कंट्रोल सर्किट है इसके अंदर देगा। और वो फर्दर हमारा क्या है, इसके अंदर लोड रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, वो फर्दर हमारा कैलकुलेट करेगा 4 to 20 mA में कन्वर्ट करके वो हमारा आपको PLC को देगा और फर्दर उस वैल्यू से आपको प्रोपोर्शनल जो भी हमारा प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर प्रोसेस लाइन का है उसको ये मेजर करेगा। तो इस तरह से हमारा बेसिक ये कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा यहाँ से प्रेशर किस तरह से सेंस करता है और आगे चल के कैसे हमारा सिग्नल देता है ये है। ये जो देख रहे हैं हमारा डायफ्राम है, जब इसको आप टच करेंगे तो थोड़ा सा फील होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का मैकेनिज्म होता है क्योंकि ये DPT है, दो साइड में इसका होगा। एक साइड डायफ्राम आप देख सकते हैं, इस साइड ये हो गया और दूसरा जो साइड है ये हो गया। अब क्या है दोस्तों कि मेरे को जो मेन टारगेट है कि इस डायफ्राम को कट करना है। डायफ्राम को कट करने के बाद इसके अंदर एक जेल टाइप मटेरियल होता है, उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि क्या इसके अंदर का जो जेल हो किस तरह का, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हम अभी ग्राइंडर से कट करते हैं और इसके बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि क्या इसके अंदर सही में जेल पाया जाता है। हमने भी दोस्तों पहली बार इससे डायफ्राम को कट करने जा रहे हैं, इससे पहले हमारा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि डायफ्राम को हमने खोल करके देखा है, पढ़ा है और जो हमारे सीनियर्स हैं वो सब बताते हैं कि इसके अंदर डायफ्राम के अंदर में जो है हमारा प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने के लिए इसके अंदर सील का जेल दिया रहता है। इसको हम अभी देखते हैं। डायफ्राम पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ पे एक एलन बोल्ट दिया है जो इसको लॉक करके रखता है, सुरेट ये किसी भी तरह से हमारा मूवमेंट ना हो। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं एलन बोल्ट को हटाकर और तो ये हो गया हमारा डायफ्राम पार्ट। अब दोस्तों इसको कट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा डायफ्राम को कट करने के बाद। तो जब आप देखेंगे इसको हाथ से टच करके तो इसमें आपको एक जो जेल टाइप का लग रहा है फ्लूइड, यही हमारा इसके अंदर जो है जेल है। अब इसे हम टेस्टर के हेल्प से प्रॉपरली इसे जो डायफ्राम का ऊपर का लेयर है उसको हटाते हैं और फिर देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा कि हम डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का डायफ्राम को जब कट किए तो इसमें एक सिलिका जो जेल बोलते हैं, जो जेल टाइप मटेरियल है, जो फ्लूइड है, इसके अंदर था। यहाँ पे देख भी सकते हैं इस दोनों साइड का हम डायफ्राम को जब कट किए हैं तो इसमें निकला है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में हेल्प करता है आपको डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को। आपको ये देखने को दोस्तों प्रेशर गेज में भी मिला होगा बहुत, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया भी है कि प्रेशर गेज के अंदर भी एक जेल होता है फ्लूइड मटेरियल। वो बेसिकली क्या है कि स्मूथ जो उसका पॉइंटर होता है प्रेशर गेज का, उसमें स्मूथ मूवमेंट हो जाए या किसी पाइपलाइन में हो सकता है दोस्तों की वाइब्रेशन होता है, तो वहाँ वाले जगह के लिए प्लेस के लिए प्रोसेस लाइन में हम जो है जेल वाले जो प्रेशर गेज होते हैं उसको यूज करते हैं। सो दैट जो पॉइंटर हो स्मूथली हमारा मूव करे और वाइब्रेशन की वजह से हमारा जो पॉइंटर में है किसी तरह का आपका डिफेक्टिव फॉल्ट नहीं आया तो हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ आपका रहे प्रेशर गेज का, तो इसलिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा मेन जो मोटिव है वो हमारा प्रॉपर जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए है। तो आई होप जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का हमने डायफ्राम को जो कट करके दिखाया वो आपको कुछ अलग लगा होगा और वीडियो से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का कंप्लीट वर्किंग चाहिए किस तरह से हमारा काम करता है स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख ले, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप किसी तरह का आपको रिकमेंड करना है कि किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के आप इस तरह से अच्छे से डिसमेंटल करके बताइए
सर, तो अब मैं उसे भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है अगला जिसको हम अच्छे तरह से डिसमेंटल करके आपको दिखा